हूँ रही है डरा दे मुंह से डरा दे देखी नीते जा हाली हाली मेरी मम्मी डरा दे रही थी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट होगी और अभी मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ और वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। ये देखो मेरे गोलू, आज छोटा बच्चा बना फिर रहा। मैं अभी है ना बस पूजा पाठ तो हमने कर ली, गोपाल जी हमारे नहा ली मेरे पूजा में, अवनी भी नहा ली, बालों में कंघी नहीं करी बेटे ने, कायरव भी नहा लिया, दोनों बच्चे मेरे नहा लिए और मेरे को अब बनाना है खाना। चुप। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं मतलब खाने में, और खाने में जो भी कुछ बनेगा बहुत स्पेशल होगा और वो वीडियो मैं मतलब फर्स्ट टाइम, मान लीजिए या सेकेंड, आप लोगों के साथ तो मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ शेयर कर रही हूँ और मैंने एक बार पहले ये रेसिपी ट्राई कर ली है, बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो कट मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और मैंने सोचा कि चलो भाई आप लोगों को भी दिखाते हैं, आज वीडियो में शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है कुछ नया सा आप लोगों को दिखाने के लिए। और बस करवा चौथ के दिन पे दिन घटते जा रहे हैं, 2 दिन रह गए हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहो कौन क्या क्या खरीद रहा है। तो मैंने तो बस अपने लिए जो भी खरीदा वो वीडियो में दिखा दिया, बाकी मैंने और कुछ नहीं खरीदा, पर देखते हैं उस दिन कैसे लगते हैं। और बस मेरा प्यार है आप लोगों के साथ में, दुआ है और आप लोगों की दुआ और प्यार मुझे बहुत मतलब सपोर्ट देता है, साथ मतलब खुशी देता है, सच में मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मेरा मन नहीं करता कैमरा रखने को, आप लोगों से बात करने बंद करने को मन करता, बात करती रहूँ बात कर। जब किसी रिश्ते का है ना बदलाव हो जाता है, किसी रिश्ते में कुछ अच्छा सा आदमी महसूस करता है तो ऑटोमेटिक ही मन खुश रहना शुरू हो जाता है, तो वही है बस आप लोगों की शायद दुआओं का असर है ये। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, चोटी बना रहा है मेरा बेटा, चोटी पप बना रहा है पप, हाँ यहीं पर लगा दो बस बन गया बाबू मेरा पप बना रहा है। इसके बाल बोल रहे थे आप कटा दो, तो अभी तो नहीं कटाई, कुछ टाइम बाद कराती हूँ उसके बालों का कटिंग और कायरव के भी कटवाने हैं। चने की दाल है ना मैंने कल से भिगो कर रखी हुई थी, रात भर मैंने इसको भिगोया, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया 3 से 4 बार और अभी इसका ना मिक्सी के जार में पीस लेंगे। ये देखो मैंने इसको मतलब पीस लिया, ये देखो आप लोग तो है ना ऐसा, आपको इसको पीसना है फिर ये बाकी की बची हुई ये भी इसमें डाल के इसको भी पीस लेते हैं। ये भी डाल दी मैंने इसमें, क्या बनाने वाली हूँ आज मैं इससे चने की दाल से आप लोगों को पता चलेगा आगे वीडियो में। और ये इसमें लग रहा है ना, इसको निकाल लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा बारीकी मैं नहीं निकाल लूँगी, फिर बाद में निकाल लूँगी, उसको भी पीस लेते हैं। कहाँ गया भाई, बंद कर दे। आटा तैयार कर लेते हैं, आटे का यूज होने वाला है इसमें,
तो आटा बना लेती हूँ। अगर आपके पास में मैदा, आप मैदा का यूज कर सकते हो, मैदा नहीं है तो गेहूं के आटे का यूज कर सकते हो। बेटा देखो गिर गया, ठीक है तो आटा बनाती हूँ मैं अभी। बाबू तोड़ो ना, अवनी क्या काम कर रही, लेकर जाए हट, टीवी दिखा, किताब दे दे से पढ़ लेगा। चिन्नी कड़ी बला के दी बैठती और काले नमक का वो लग दी। तो ये बना रही हूँ मैं अमचूर की चटनी। तो मैंने इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी कलर वाली मिर्च, थोड़ी सी रंग वाली मिर्च, और सॉरी थोड़ी कलर वाली मिर्च और थोड़ी सी वैसी मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा चटपटापन के लिए, और धनिया है और थोड़ा सा गरम मसाला, ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। कुछ डाल देते हैं चिन्नी, खट्टा मीठा स्वाद बनाएंगे, भी डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। तो मैं तो इसमें थोड़ा सा ना काले नमक का यूज कर रही हूँ, आप जैसा चाहो वैसा डाल सकते हो, आप सादा डाल लो वो आपकी इच्छा है। मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल लिया। चटनी का अमचूर है ना, ये सूखा वाला अमचूर था, ये चटनी का स्वाद आ जाएगा बढ़िया वाला। गैस स्लो कर दिया, इसको बनने देते हैं। आटा हमने लगा रख लिया था, जो गेहूँ का आटा है या फिर कोई भी आटा आप बनाओ, मैदा का या कहीं का भी, तो उसको थोड़ा सा टाइट रखे, डो को ढीला ना रखे बिल्कुल भी। और ये जो दाल हमने रखी थी मतलब पीस करके, ये रही, और देखिए किस तरह का मतलब ये चेंज हो गई है, किस तरह की ये हो गई है, ये देखो। इसमें हम डाल लेते हैं अभी मसाले। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया छोटी एक चम्मच धनिया, और थोड़ी सी डाल दी इसमें हमने कलर वाली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, बच्चे नहीं खाएंगे ज़्यादा, और थोड़ी सी डाली हमें इसमें हल्दी, आधी चम्मच ही डाल दी है, और ये आधा चम्मच, एक चम्मच हमने इसमें डाल दिया गरम मसाला। सारी चीज़ें जो है मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अगर आप चाहते हो तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो, आपके पास में हरा धनिया, आप हरे धनिया का भी यूज कर सकते हो, तो मेरे पास में नहीं है हरा धनिया, तो मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ गोपाल जी की वजह से। बाद में डालकर फ्राई करूँगी, पर उसमें गोपाल जी के लिए निकाल के तब, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, मिक्स कर लिया, रख दिया इसको। यहाँ मैं ना दूसरी साइड गैस पर रख रही हूँ गर्म पानी, तो गर्म पानी उसको अच्छे से ना मतलब उबलने देते हैं, और ये गैस ऑफ कर देते हैं। हमारी अमचूर की चटनी बनकर तैयार हो गई। ना बेटा इसको मैं दूध दे देती हूँ पीने के लिए, चलो लो मैं, चलो चलो, हाँ चीनी का दूध दे रही, चलो आप कमरे में चलो। खोल क्या ना पीला आराम से अपने आप से पिएगा नैन दो। तो डो हमारा पहले से ही मतलब रेडी था, और ये रखा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं फोन को जैसे आप लोगों को दिख नहीं पा रहा। तो ये रही हमारा डो, और हमारी जो है चटनी बनकर तैयार होगी, हमने यहाँ पे रख दिया इसको। थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेते हैं, ये क्या से स्लो कर देते हैं, उसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, और एक एक करके हम ऐसे ना पेड़ी बना लेते हैं। तो इस पेड़ी का हमको क्या करना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम ऐसे इसको हमको बेलना है। तो इसमें हमें पोलोथन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, हल्की सी चिकनाई का यूज हम कर सकते हैं, आप घी का या तेल का, जिस चीज का मतलब, तो आप घी का हाथ लगाए ज्यादा बेटर रहेगा। हम क्या करते हैं, ले मेरी चिन्नी अब ले।
चीनी नहीं है वो, बिल्कुल गोल रोटी की तरह आपको इसको बेलना है। तो ये देखो बन गया। और इसमें हमको है ना क्या करना है, ये जो हमने दाल पीस के रखी है, चलो कमरे में चलो, वहीं आ रही हूँ वहीं चलो। दिमाग खा लिया मेरा। ऐसे इसको रखना है और फिर इसको ऐसे ऐसे हमको इसको है ना रोल करना है, ऐसे रोल करना है। तो ऐसे इसको रोल कर लेंगे और इसको इस तरह से बंद करना है बिल्कुल, जो ये है ना बाहर ना निकले। रोल करके है ना ऐसे इसको है ना ऐसे बिल्कुल बंद कर देते हैं जिससे बाहर ना निकले। तो रोटी थोड़ी मेरी है ना पतली है, आप थोड़ा मोटा वो बनाए पेड़ा, ज्यादा पतली ना रखे, ये बाहर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। जो तेज गर्म पानी हमने करके रखा है उसमें डाल देते हैं और गैस को हमने तेज कर दिया। फिर से सेकंड पेड़ी हम लेंगे, ये देखो थोड़ा सा चिकनाई का हाथ लगाएंगे, ऐसे ऐसे बना लेते हैं, उसको बनने देते हैं, वो बनती रहेगी। इसको ऐसे करो, ऐसे बनाओ। थोड़ा सा मैंने इसको हाथ से इसलिए पलट रही हूँ ये चिपके ना। ये देखिए बन गई। फिर से ऐसे दाल उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे फैला लो, ऐसे फैला लो, जो निकल गया इसको बाहर रखते हैं। इधर से रोल करते हैं हम इसको, थोड़ा सा ऐसे रोल करते जाते हैं। ये हो गई रोल, ठीक है, रोल हो गई। अब इधर से ऐसे रोल कर लेते हैं इसको जिससे ये खुले ना बिल्कुल भी। बस ये ध्यान रखना है कि ये जोड़ बिल्कुल भी खुलने नहीं चाहिए। और इसको भी ऐसे इसमें डाल देते हैं। और अभी जो पहले हमने डाली थी उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। गेहूं के आटे की अगर मैदा की बनाओगे तो ज्यादा व्हाइट दिखाई देगी, इसमें थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखाई देगी, शायद इतनी खास ना दिखाई दे। तो आप लोगों को दिखा देते हैं, इस तरह से मैंने इनको रोल कराया, ये खुले ना बिल्कुल भी, खुल जाएंगी तो सारी जो अंदर की दाल है वो बाहर निकल आएगी। तो बहुत अच्छे से रोल करना है। मैंने तो जिस तरह से मुझसे हुआ मैंने कर दिया, आप लोगों को विशेषकर यही ध्यान रखना। तो इनको होने देते हैं, तीसरी रेडी करते हैं। अभी क्या करना है इनका, आप लोगों को दिखाती हूँ। तीसरे वाली को होने देते हैं, गैस तेज रखते हैं। तू थाम ले, यू मुझे को, और मैं तुझे छत में देखो गिरा। तुम नहीं बैठे, अब नहीं तो वीडियो देख के जाओ, मैं तुम कटोगे दोनों। अब हमको क्या करना है, इनको एक एक करके ऐसे है ना काट देना है। तो एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक कट ये लगा दिया, चार कट हो गए हैं। तो चारों पीसेस जो हैं अलग निकाल देने हैं बिल्कुल। ये देखो चक्कू है ना छोटा है, ये अच्छा चक्कू नहीं है, थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रही है। सारे पीसेस हमको ऐसे ही काटने हैं। हाथ में लेके काट लेती हूँ, थोड़ा सा चक्कू अच्छे से नहीं चल पा रहा। ये देखो ऐसे है ना सारे पीसेस काट लेने हैं। और ये देखिए, तो मैं इनको डीप फ्राई करूंगी। आप चाहे आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यहाँ चाहे थारे पर पानी का छींटा लग दो, यहीं मरेगी।
एक एक करके सारे पीस। अगर आप इसको मैदा से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे आप इसको है ना अमचूर की चटनी के साथ खा सकते हो तो भी अच्छा लगेगा। बस इसको है ना फ्राई बहुत अच्छे से पानी में जो है मतलब इसको बॉईल करना है वो अच्छे से करना है। तो मेरे तो रेडी है और बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में, तो मैं तो इनको डीप फ्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगी। जहाँ से खराब खराब है ना वहाँ से निकाल दूंगी। तो बस इतना ही मैं इनको सेकूंगी और प्लेट में इनको सर्व कर लेते हैं। तो मैंने बाद में डाले थे इनको, थोड़ा सा मूव देते हैं इधर साइड से, पलट देते हैं इसको, या इसको स्लो करते हैं। ये देखो इसमें का सारा ये हो गया, ये हो जाएगा इसमें। इस पर रख के डाल देते हैं, रिक्स नहीं लेते, अभी हवा की जम जाए। इसको भी निकाल लेते हैं, ये हो गया चूर की चटनी। और ये रहे चने की दाल के पकोड़े, एक तरह के पकोड़े हैं जैसे ब्रेड पकोड़े, सेम ऐसे ही हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत मेहनत से बनाए हैं और नई रेसिपी है बिल्कुल आप लोगों के साथ में, मैंने अपनी शेयर की है। बेटे आपके हाथ में लग जाएगा, गंदा है। तो आ जाइए आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसे लग रहे हैं, बाकी के निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं है ना हम लोगों का खाना पीना सब हो गया, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेटा ये दलिया सरकार की ओर से बच्चों का मतलब 3 साल तक राशन मिलता है, जब तक बच्चा अरे जब तक बच्चा 3 साल का ना हो जाए तो सरकार की ओर से राशन मिलता है ना। तो अब की बार अपनी कार्ड दे बेटे भाई को। अब की बार है ना राशन में कायरव के लिए मिला है दलिया, जी हाँ दलिया, और एक चने की दाल का पैकेट। हर बार मिलता था चने की दाल का पैकेट और जो है रिफाइंड, तो अब की बार दलिया है तो इसके नाम का बनाया करेंगे। इसको रख देते हैं बेटे, काट दे और ऊपर है वहाँ दीदी बता रही। इसको खिला लेना, मैं शीशे में रख देती हूँ, फिर मैं इसको उठा के रख दूँगी बेड में। अब मैं ना बेड खोलूँ तो फिर सारी चीज़ें एकदम इधर उधर हो जाती है तरबिकता। अरे हमारी मैडम पर धरती पता नहीं रखा, अब नहीं बेटे जो उनसे किताब में पढ़ा वही रखा करा, बाकी उठा कर रखा करा। यो लगाओ इसका किताब का, कौन सी का इसका जो है तो ये जिसका जो उनसे का वो उसमें लगाओ। ये कौन से वाली का, इसका वाली इसका इसका नहीं। और लगा इसे भी लगा तो। अरे ये सारी किताब रख, जीके वाले का जीके की मैं लगा। अब इसमें याद कर ले बाबू, इसमें क्या याद करना, जो उनसे का पेपर है उसमें याद कर ले। मैं इन कपड़ों की तरह बना दो इनका, इसका ना आज पेपर है कल को। चाबी उठा ली थी तेने, चाबी कहाँ गिरी थी, चाबी हाँ उठाई नहीं की नहीं कह रही मैं वाली। पता नहीं ऐसा लग रहा छत्ती क्या हो रहा अभी ठीक ठाक थी। बाजी दफा ऐसा होता है मेरे को, रोज तो नहीं कभी कभी 10 दिन में महीने में ऐसा होता है कि हाँ दर्द हो रहा है हार्ड में, मतलब दर्द हो रहा है मेरे सीने में दर्द है ऐसा मालूम देता है, कभी तेजी से देता है तो कभी धीमा धीमा। अभी है ना ऐसा लग रहा है दर्द हो रहा है, कीड़ी सी चलती है, दर्द होता है बहुत और सारे हाथ में खिंचाव सा होता है, ऐसा महसूस होता है, बहुत ही दर्द होता है। अभी हो रहा है कैसे बताऊंगा, अजीब सी फीलिंग हो रही है। चलिए बस थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं।
लगवा लिया। उड़ाऊंगी मम्मी को, ज्यादा लग गई चोट लग गई बाबू, चलो थोड़ा बहुत पामे चोट ज्यादा कुड़प भी लग गई, बहुत दर्द हो रहा चोट में, इसमें छान से लकड़ी जा रही मेरी, इतना दर्द हो रहा है। बेटा माया माया, मम्मी उधर चीज उठा देगा, जोड़े जा रहे तो उठा देगा। अजय मेरी बंदरी आइए, मैं तो लाड करूंगी अपनी बेटी का, आजा बाल दिखाऊंगी, बाल वाला गेम दिखाऊंगी, मेरी बिटिया, अरे मेरी बिटिया, अरे मेरी बिटिया, ले क्या हो गया, रोइयो ना रोइयो ना, वो नहीं हटती है, चुप हो जा, बाल खेल ले, नुगा ना बाल खेल ले, चुप कर दे अम्मी को, बाल खेल ले, जीजी कहाँ जीजी, बाल काम बोल लो, मैं खिलाऊंगी आजा, लो जा जीजी, बाल काम बाल वाला गेम।